ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق. अब देखिए जनाब, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न है. कुल फेले अमर है, काफ वाउ लाम मादा है, अजवफ का है. कौला यकूलू, यकूलू से तकूलू, और जब फेले अमर बनाते हैं तो कुल का सीगा सामने आ जाता है, जैसे हमने सूरतुन नास में भी देखा था. तो ये इसको हम फेले अमर ले लेंगे, ठीक है जी. फेले अमर, और इसका जो फाइल होगा वो अंता होगा, जो इसके अंदर ही मौजूद होगा लाजमन. पहला चौथा सीगा जब भी आएगा उसका फाइल उसके अंदर ही मौजूद होगा, ठीक है जी. उसके बाद फेले अमर के बाद आऊदू, हमें पता है आईन वाओ और दाल इसका मादा, और ये भी अजवफ का सीगा है. आदा या उदू बनता है चेंजेस के बाद, और आदा या उदू से ताऊदू, और फिर आऊदू. आऊदू वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, मैं पनाह में आता हूं. तो ये मुदारे वाहिद मुतकल्लिम, और इसका जो फाइल है वो भी लाजमन इसके अंदर, ठीक है जी. अंता पहले चौथे सीगे के अलावा जब भी सीगा आएगा उसका फाइल लाजमन उसके अंदर जो जमीर है वही होगा, ठीक है जी. अच्छा, उर्दू फेल जो है उसके बारे में हम जानते हैं कि जब भी आता है तो उसके बारे में क्या बात जानी हमने, कि अमूमन ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, उसके साथ दो प्रपोजिशन मिलेंगी, एक बा की और मिन की. बाकी प्रपोजिशन उस फेल के साथ आती है जिसकी पना में आया जाता है, जिसकी हिफाजत में आया जाता है. तो बाकी प्रपोजिशन हरफे जारा हमें मिला, पहला प्रपोजिशन बा रब्बिल फलकी. अब देखिए जी, रब्बिल फलकी आपको कौन सा मुरक्कब लग रहा है? मुरक्कब इजाफी. हाँ जी, मुरक्कब इजाफी है बिल्कुल, क्योंकि रब जो इस्म है, इस इस्म की अराब भी हल्की और अल भी नहीं, और आगे मुदाफिला कन्फर्म हो गया, जर में देखा अल फलकी, तो मुदाफ और मुदाफ इलाय होकर ये मजरूर हो गया, ठीक है जी. और हरफे जारा और मजरूर मिलके ये क्या बनेंगे, मुताल्लिके फेल आउदो, ठीक है जी. मुताल्लिके फेल आउदो. अब एक मुतालिक आया है, अब दूसरा मुतालिक आगे मिन के साथ आएगा, ठीक है जी. दूसरा मुतालिक आगे मिन के साथ अभी आएगा, तो हम दूसरी आयत को भी लिखते हैं. यहाँ पे फाइल अना होगा ना, औजू में. औजू में, हाँ बिल्कुल करेक्ट, यस. मुतवाहिद मुतकल्लिम जो है वो तो अना है, यस, ठीक है जी. उसके बाद जो है वो दूसरी आयत, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक. अब मिन जो है हमें दूसरा प्रपोजिशन मिल रहा है जो अऊज़ु के साथ आता है, तो ये भी हर से जा रहा है, ठीक है जी. शर्रि, अब देखिए शर्रि जो है उसको आप जब देखेंगे तो अब आपको क्या अंदाजा हो रहा है कि शर्रि जो है वो एक इसम है, हम जानते हैं शर्रुन, जर में तो ये मिन की वजह से है. तो अब शर्रुन जो है वो शर्रिन तो मिन की वजह से है, लेकिन अल भी नहीं है और एराब भी हल्का है, तो क्या रीजन हो सकता है? मुदाव बनेगा सर. हाँ, इसका चांस है बहुत ज्यादा कि ये मुदाव बनेगा. अब आगे देखना है हमें कि आगे हमें मुदाफ इलाय मिलता है या नहीं मिलता. अभी हम इसको फिलहाल मुदाफ लिखते हैं और फिर आगे चल के देखते हैं कि क्या मामला है. मा खलका, अब देखिए मा जो है वो एक इसमें इस्तफाम है, ठीक है जी. मा एक इसमें इस्तफाम है, और मा जो है वो हमने ये पढ़ा है कि इसमें मौसूल
भी बन के आ जाता है, यानी माँ और मन एक ऐसे इसमें दो ऐसे अस्मा इस्तफाम है जो इसमें मौसूल भी बन के आते हैं। तो यहाँ पे ये इसमें मौसूल बन के आ रहा है, ठीक है, तो इसको आप अगर इसमें मौसूल ले लें तो इसमें मौसूल जब भी आता है जैसे अल्लदी अल्लदीना तो या माँ या मन जब इसमें मौसूल बन के आएगा तो आगे लाजमन उसका एक सिला आएगा, और सिला जो है वो जुमला भी होता है और मुरक्कब जारी भी होता है, और अमूमन जुमला होता है और जुमले में भी ज्यादातर जुमला फेलिया होता है। देखिए आगे आपको एक फेल मिला, खलाफा उसने तख्लीक किया उसने पैदा किया, तो ये एक फेल माजी है जो पहले ही सीखा है हम सब जानते हैं, तो ये माजी वाहिद मुदक्कर गायब का सीगा है जो फेल है, ठीक है जी। तो ये जुमला फेलिया हो गया, और ये जुमला फेलिया आपको पता है हर हर सीगा एक मुकम्मल जुमला फेलिया है गर्दान का। खलाका उसने पैदा किया में फेल भी है और फाइल भी है, ठीक है जी। इसका फाइल पहला सीगा है तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आगे चूंकि कोई इसम नहीं है रफा में तो इसका फाइल लाजमन इसके अंदर है, तो लिखिए जनाब इसको कि इसका फाइल भी इसके अंदर है, ठीक है जी। तो ये सिला बन गया इसमें मौसूल के लिए, ठीक है जी। तो इसमें मौसूल जो है वो अपने सिला के साथ मिलकर, हाँ जी, अब देखिए इसमें मौसूल और सिला आपको मैंने बताया कि इसमें मौसूल और सिला हमेशा मिलकर कुछ ना कुछ बनते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ मिलकर बनते हैं। तो इसमें मौसूल और सिला यहाँ पे क्या बनेंगे मिलकर? मुदाफिला बन जाएंगे, ठीक है जी, मुदाफिला बन जाएंगे, क्योंकि शबी के लिए आपको आगे मुदाफिला चाहिए था तो ये मुदाफिला हो जाएगा। अब इसमें मौसूल और सिला मिलकर मुदाफिला बने हैं, ठीक हो गया जी। तो अगर इसको आपने मुदाफ लिया था, ठीक है, और इसको आपने हरफ जारा बोला था, तो अब मुदाफ और मुदाफ इलय मिलकर हमें पता है ये वैसे शरी के नीचे मजरूर है, तो हरफ जारा और मजरूर मिलकर ये दूसरा मुतालिक हो गया फेल आऊदू का, ठीक है जी, फेल आऊदू का ये दूसरा मुतालिक हो गया। तो अब हमें दूसरा मुतालिक भी आऊदू का मिल गया। एक बात नोट कर लीजिए, अब जैसे यहाँ पे इसमें मौसूल और सिला जो है माँ खलाका, ठीक है जी, माँ खलाका। अब इसमें मौसूल का तर्जुमा हम आपको बताए कंजंक्टिव प्रोनाउन वाला करते हैं, वो जो, ठीक है जना, वो जो उसने पैदा किया, वो जो उसने पैदा किया, तो ये इसमें मौसूल और सिला का तर्जुमा है। अच्छा देखिए इसमें मौसूल और सिला जो है वो, इसमें मौसूल तो एक इसम है, ठीक है जी, इसमें मौसूल इसम है, और माँ जो है वो जब इसमें मौसूल बन के आता है वैसे भी माँ मबनी है, यानी वो जर में हो नसब में हो या रफा में हो माँ ही रहता है, ठीक है जी। और फेल की तो अपने मामलात हैं, उस पर तो इसम वाली बातें लागू नहीं होती, और फेल माजी भी मबनी है जैसे हमने पढ़ा है, मुदारे में तो तब्दीली आ जाती है जब उस पर कुछ हरूफ आते हैं, लेकिन माजी तो मबनी ही है। तो अब ये माँ खलाका जो इसमें मौसूल और सिला है, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें मौसूल और सिला का मिला के जो हमने एक कंपाउंड बनाया है इसकी एहराब क्या है, तो क्या एहराब है जनाब इसकी? हालत जर्म है सर, जर्म होगी। किस वजह से हालत जर्म होगा? ये मुदाफिला है, मुदाफिला जर्म ही होता है, ठीक है जी, मुदाफिला है तो मुदाफिला जर में होता है, तो ये मुदाफिला की जगह पे आया है। इस पॉइंट को समझिए जनाब, ये बहुत अहम नुकता है कि ये मुदाफिला की जगह पे आया है माँ खलाका, जो कि एक इसमें मौसूल सिला का कंपाउंड है, लेकिन चूंकि ये मुदाफिला की जगह पे आया है तो इसलिए ये हालत जर में कहलाएगा। अब उस पर आपको कोई जर नजर नहीं आएगी, ठीक है जी, आप बोले आपने बोला मुदाफिला तो हमेशा जर में होता है, तो इसकी जर किधर है, हमें जर दिखाएं, तो जर तो हो ही नहीं सकती, इस पर माँ मबनी है, माजी पे जो है वो मुदाफिला का कोई असर नहीं होगा, फेल जो है वो फेल है, उस पर कोई इसम के कवायद नहीं लगते, ठीक है जी। तो माँ खलक जो है उस पर कोई जर नजर नहीं आएगी, आपको ये बात समझ लीजिए, ठीक है जी। लेकिन चूंकि मुदाफिला है तो इसको आप कहेंगे कि ये मजरूर है, ये मुदाफिला की जगह आया है, इसलिए ये मजरूर समझा जाएगा, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो ये मुतालिक आउदू हो गया। अब देखिए फेले अमर अपने फेल फाइल
एक और दो मुतालिक के साथ मिलकर पूरा। अच्छा यहां से अगर ले लें पहले आउदू से फेले मुदारे अपने फाइल मुतालिक और मुतालिक के साथ मिलकर जुमला फेलिया हो गया, ठीक है जी, ये पूरा जुमला फेलिया हो गया। और ये जुमला फेलिया जो है वो क्या बनेगा जनाब, फेलिया अमर जब आता है तो उसका क्या होता है, मौकूला बनेगा। इसको इसको आप जवाब अमर कह सकते हैं, जवाब, ठीक है जी, क्योंकि जब अमर आएगा तो आगे जवाब अमर मिलेगा, उसको आप जवाब अमर कह सकते हैं कि फेले अमर है, उसके बाद उसका जवाब अमर आ रहा है जुमला फेलिया की सूरत में। अच्छा नोट कर लीजिए, अभी हमने दो आयात लिखी हैं मिन शर्री मा खलक, ठीक है जी, अगली आयत हमें पता है व मिन शर्री गौसिकिन इदा वकब, वाओ अतफ है और आगे मिन है, तो इसका मतलब वो मातूफ होगा इस मिन पर, ठीक है जी, ये जो मिन आया है आपके पास इस मिन पर वो मातूफ होगा। तो जहन में रखिएगा कि अभी जुमला कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ग्रामेटिकली जुमला जारी है और आखिरी आया तक सब आतफ मातूफ होगा इस मिन पर। तो दूसरी आयत से लेकर पांचवी आयत तक सब आतफ मातूफ होकर मिलकर मुतालिक फेल आउदू बनेंगे दूसरा, और इस तरह पूरी सूरह वार का जो है वो एक जुमले की सूरत में हमारे सामने आ जाएगी, जैसे सूरह नास में हुआ था बिल्कुल वैसे ही जना। ठीक है जी, यहां तक किसी साथी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए जना। ठीक है जी, अच्छा अब हम तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। قل اعوذ برب الفلق, कह दीजिए اعوذ मैं पनाह में आता हूं सुबह के रब की, सुबह के रब की, मिन शर्री मा खलक, हर चीज के शर से जो उसने पैदा की, मिन शर्री मा खलक, शर से, मा खलक वो जो उसने पैदा किया, यानी हर चीज जो उसने पैदा की है उसका, उस चीज का जो उसने पैदा किया उसका जो भी शर है उससे पना में आता हूं। किसकी पना में आता हूं, सुबह के रब की पना में आता हूं, ठीक है जी। अब देखिए ये जो पहली और दूसरी आया है ना, देखिए सुभानअल्लाह, इसमें अल्लाह सुभानहु व तआला की पना में एक मुसलमान आ जाता है, हर चीज जो अल्लाह ने पैदा की है उस चीज से रिलेटेड जो भी शर है उससे मुकम्मल पना में आ जाता है इंसान, ठीक है जी। अच्छा अब इसमें हर चीज इस दुनिया में जो है अगर उसमें कोई शर का पहलू है, ठीक है जी, तो उससे पना मांगी जा रही है। अब आगे हमें अगली आयत से हमें कुछ और बातों से भी पता चलेगा कि किन चीजों से पना मांगी गई है। जो दूसरी आयत है उसमें हर जो बुरी चीज है ना जिसका शर है उससे पना तो ले ली गई है, लेकिन आगे कुछ खास बातों का जिक्र भी किया गया है, क्योंकि उन चीजों का जो शर है ना वो बहुत बड़ा है, तो वो तो वैसे तो इस आया में कवर्ड है, लेकिन अरबी का एक असलूब है कि जब कोई चीज खैर में या शर में बहुत सिग्निफिकेंट हो, बड़ी हो, तो उसका आमूम में यानी उसको जनरली जिक्र करने के बाद उसको स्पेसिफिकली भी मेंशन किया जाता है, और आपको कुरान में यह असलूब कई बार मिलेगा, ठीक है जी। जैसे हम सूरतुर रहमान में पढ़ते हैं फी हिमा फाकिहतूं व नखलूं व रुमान, कि उन दो जन्नतों में फल हैं, मेवे हैं, ठीक है जी। अब फल में सारे फल आ गए लेकिन उनमें दो खास फल है, वन नखल और वर रुमान, वर रुमान, तो उनका अलग से जिक्र फरमाया।
इसी तरह तनज़ल मलाइकतु व रूह के फरिश्ते उतरते हैं शबे कदर में और जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो अब जो फरिश्ते हैं उनमें जिब्रील अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं, लेकिन वो फरिश्तों के सरदार हैं और बहुत सिग्निफिकेंट उनका मकाम है, तो उनका जिक्र अलग से भी फरमाया। तो जनरल के बाद स्पेसिफिक मेंशन किया जाता है जब कोई चीज खैर में या शर में बहुत सिग्निफिकेंट हो। तो अब दूसरी आयत में जनरली जो है वो पनाह ले ली गई है हर बुरी चीज के शर से। अब आगे उन चीजों को मेंशन किया जा रहा है जिनका शर बहुत सिग्निफिकेंट होता है, सही है जी। इसके अलावा भी जो चीजें हैं उन सबसे भी पनाह ऑलरेडी दूसरी आयत में ले ली गई है, ठीक है जी। अब है मिन शर्री मा खलक के बाद व मिन शर्री गासिकिन इदा वकब। وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ। वाओ हरफे अतफ है, मिन हरफे जारा है, सही है जी, हम सब जानते हैं हरफे जारा है। शर्री अभी हमने पिछली आयत में देखा था क्या बना था, शर्री मुदाफ, मुदाफ बना था, ठीक है जी। और यहाँ पे तो बहुत आसान है क्योंकि आपको मुदाफिला डायरेक्ट इस्म हालत जर में नजर आ गया, गौसिकुन गौसिकन गौसिकिन, तो ये मुदाफिला डायरेक्ट बन गया, ठीक है जी। अच्छा अब मुदाफ और मुदाफ इलाय मिलकर जो है वो हालत जर में होंगे मिन के लिए, ठीक है जी। मिन के लिए मुदाफ और मुदाफ मिलके जो है वो मजरूर कहलाएंगे, ठीक है जी। जैसे कि नजर भी आ रहा है आपको शर रू की जगह शर्री, जब सब साथी जो है वो अपना माइक जो है उसको म्यूट रखिए, कोई क्वेश्चन हो या जवाब देना हो तो अनम्यूट कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है जी, तो शर गासिकिन एक मुरक्कब इजाफी हो गया जो मजरूर है हरफ जारा मिन की वजह से। अब देखिए इदा, इदा आपके सामने एक वर्ड आया है जो नया वर्ड है हमारे लिए, ठीक है जी। जहाँ आप सब साथियों का म्यूट कर देना तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, ताकि हमारी क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो। फिर जिसको सवाल हो या क्वेश्चन आंसर हो तो वो अनम्यूट कर सकता है, ठीक है जनाब। तो इदा जो है वो आपके सामने एक नया वर्ड आया, अब सुन लीजिए जनाब, इदा जो है उसको क्या कहते हैं। इदा जो है ना ये आपको ग्रामर वाले इसको कहते हैं इदा जरफिया और शर्तिया, ठीक है जी। आपको इदा जब भी ग्रामर वाले लिखेंगे तो उसको लिखेंगे जर्फिया शर्तिया। तो इदा जो है वो जर्फ के लिए भी आता है और शर्त के लिए भी आता है, सही है जी। इदा जो है वो जर्फ के लिए भी आता है, शर्त के लिए भी आता है, ठीक है जी। अब हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो उसका एक आसान सा फॉर्मूला है जो जनरल फॉर्मूला है, अमूमन ऐसा ही होगा। अमूमन जब इदा जरफिया होगा और जब इजा शर्तिया होगा तो पहचान कैसे करेंगे। अमूमन जनरली ऐसा होगा कि जब जरफिया होगा ना तो अमूमन जुमले के दरमियान में आएगा, ठीक है जी, मिडिल ऑफ द सेंटेंस में आएगा। और जब शर्तिया होगा तो अमूमन जुमले के शुरू में आएगा, यानी बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में आएगा, ठीक है। तो ये एक आसान सी पहचान है। अच्छा जरफिया से मुराद क्या है, यानी जर्फ का काम करेगा। जर्फ क्या होता है, हमने कहां पढ़ा था जी जर्फ, बताइए। स्पेशल मुदाफ, हाँ ठीक है। हमने जर्फ पढ़ा था
हमने कहा पढ़ा था, आप फिर से बताइए सर आपने क्या फरमाया? स्पेशल मुदाफर। हाँ ठीक है, स्पेशल मुदाफर वो तो ठीक है। हमने जर्फ पढ़ा था, जर्फ मकान और जर्फ जमान। जर्फ वो इसम होता है जो जिसी किसी काम के होने का वक्त या जगह को बयान करता है, ऐसा ही है। जर्फ जमान वो है जो वक्त बताता है किसी फेल का, और जर्फ मकान वो है जो जगह बताता है। तो जर्फ इजा जब जर्फ बन के आएगा तो इसका मतलब होगा वो वक्त, इजा जो है ना वो जर्फ जमान बनता है, यानी वक्त बताता है फेल का। जब इजा जो है वो जर्फिया होगा तो फिर वो उस फेल का वक्त बताएगा, ठीक है जी। अच्छा, इजा जब जर्फ बनेगा तो आपने पढ़ा था कि जो जर्फ होता है ना, जर्फ और खास तौर पे जर्फ जमान, जर्फ मकान भी, तो जर्फ जो है वो अमूमन मुदाफ होकर आता है, ठीक है जी। क्या होकर आता है? मुदाफ बन के आता है। जर्फ जो है ना वो मुदाफ बन के आता है। तो जब भी इदा जर्फिया आएगा तो वो मुदाफ बनेगा, ठीक हो गया जी। इदा जब जर्फिया आएगा तो आप उसको मुदाफ बनाएंगे, ठीक है जी। जब मुदाफ बनेगा तो फिर आगे उसका मुदाफ इलाए ढूंढेंगे, फिर आप उसका मुदाफ इलाए ढूंढेंगे, ठीक है जी। तो ये इदा के मुतालिक हमें समझ में आया कि इदा जर्फ के लिए भी आता है, शर्त के लिए भी आता है। जब शर्त बनेगा तो जुमला शर्तिया भी हम जानते हैं, जैसे हमने इन में पढ़ा है कि उसमें फेल आता है मुदारे, उस पर इन आ जाता है तो वो शर्त हो जाता है। वो इन जब आता है तो क्या करता है, मुदारे को जजम में ले जाता है, ठीक है जी, उसको अखफ कर देता है। और फिर उसके बाद जवाब शर्त आता है, तो इजा का मामला भी ऐसे ही होगा। अगर वो शर्तिया बन के आएगा तो अमूमन जुमले के शुरू में होगा, ठीक हो गया जी। और जब वो जुमले के शुरू में आ जाएगा तो अब आगे शर्त आएगी, और आगे उसका आपको जवाब शर्त ढूंढना होगा, उसको तलाश करना पड़ेगा, ठीक हो गया जी। तो अब हमें देखना है यहाँ पे जो इजा आया है वो जुमले के शुरू में है या जुमले के दरमियान है। जी जनाब, जुमले के दरमियान, सही है जी। तो इसको हम क्या ले लेंगे, इसको हम कहेंगे इजा जर्फिया, ठीक है जी। और जब जर्फिया ले लेंगे तो इसका मतलब है वो क्या बनेगा, मुदाफ, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मुदाफ हो गया, जब जर्फ आएगा ना, देखिए जब जर्फ आएगा ना तो वो नॉर्मली मुदाफ ही बनता है, ये बात जहन में रखें। चाहे वो इजा हो या आपने जो नॉर्मल जर्फ पढ़े ना, जैसे यऊम, ठीक है जी, इसी तरह आपने जो जर्फे मकान पड़े हैं, फौक, तहत, ठीक है, अमाम, ये सब मुदाफ बन के आते हैं अमूमन। तो यहाँ पे जब आप जर्फिया कह दिया तो आप मुदाफ बना दिया। अब आगे चलते हैं, वाकबा आपने देखा तो आपको फेल मिल गया, फेल माजी, वाहिद मुजक्कर, गायब का सिया, वाओ ऑफ बा, छा जाना, वो छा जाता है, ठीक है जी, वो छा गया। अच्छा, अब नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। वाकबा जो है उसका माजी है तो तर्जुमा क्या करेंगे, वो छा गया, ठीक है जी, वो छा गया। लेकिन नोट कर लीजिए, जब इदा फेले माजी पे आएगा, नोट कर लीजिए, ये भी पॉइंट लिख लीजिए अपने पास, जब इदा फेले माजी पे आएगा, जैसे आगे वाकबा आपको फेले माजी नजर आ रहा है, जब इदा उस पे आएगा तो फिर मुदारे का तर्जुमा देगा, माजी मुदारे का तर्जुमा देगा। जब इदा माजी पे आ जाएगा तो मुदारे का तर्जुमा देगा, ठीक है जी, ये नोट कर लीजिए अपने पास, इदा जब माजी पे आएगा तो मुदारे का तर्जुमा देगा। और एक चीज नोट कर लीजिए, इदा की तरह एक और वर्ड है इज, ठीक है जी, इज, यानी इज, इदा नहीं इज। इसके बरअक्स जब इज मुदारे पे आएगा तो माजी का तर्जुमा देगा। जब आप वो नोट कर रहे हैं जो मैंने आपको भी बताया, इदा जब माजी पे आएगा मुदारे का तर्जुमा देगा, तो इसका ऑपोजिट है, इज जब मुदारे पे आएगा तो माजी का तर्जुमा देगा। वो आएगा तो फिर हम इंशाल्लाह उसको मजीद तफसील के साथ देखेंगे। तो वकबा माजी, वाहिद मुदक्कर, गायब का सीगा है, आगे कोई रफा में इसम नजर नहीं आ रहा तो इसका फाइल हुआ इसके अंदर ही मौजूद है। हाँ जी, अब ये जुमला फेलिया हो गया, ठीक है, जुमला फेलिया हो गया।
फेल और फाइल मिलके जुमला फेलिया बना। अब बताइए जुमला फेलिया क्या बनेगा इस जुमले में? मुदाफिले बनेगा, मुदाफिले बनेगा, ठीक है जी, क्योंकि मुदाफ आया है तो आगे उसके मुदाफिल आएगा। अब देखिए एक जुमला फेलिया को आपने मुदाफिले बना दिया, ठीक है जी। अब मुझे बताइए ये जुमला फेलिया जो है इसको आपने मुदाफिले बनाया है तो जुमला फेलिया क्या मजरूर होता है कभी? नहीं, जुमला सही, हमने फेल के बारे में तो नहीं पढ़ा ना, नसब रफा जर वाली बात, वो तो इसम के लिए खास है। तो जुमला फेलिया जो है वो तो कोई मजरूर नहीं होता, तो अगर वो मजरूर नहीं होता लेकिन चूंकि अब देखिए यहाँ पे पॉइंट समझिए, ये बात बहुत अहम है और आपको ये बहुत दफा मिलेगी, ठीक है जी। पॉइंट ये है कि ये जो मुदाफिले है, क्योंकि ये मुदाफिले है इसलिए बोलेंगे तो इसको जर्मे, सही है, लेकिन आपको कोई जर नजर नहीं आएगी क्योंकि वो तो जुमला फेलिया है। जुमला फेलिया के अपने कवायद है, उस पर कोई रफा नसब जर थोड़ी का इतलाक होगा, जर नजर नहीं आएगी, लेकिन इसको आप बोलेंगे कि क्योंकि ये जर की जगह पे आया है। अब देखिए जगह को अरबी में क्या बोलते हैं, मैं आपको उस वर्ड की तरफ ले जाना चाहता हूं। जगह को अरबी में बोलते हैं महल, सही जी, महल बोलते हैं ना, सुना भी हमने बोलचाल में बहुत सारा महल। महल जो है यानी इसकी जगह जो है वो मुदाफिलाई की है। अब वहां जुमला फेलिया आया है लेकिन चूंकि उसका महल यानी उसकी जगह मुदाफिलाई की है तो अब नोट कर लीजिए इसको, ग्रामर वाले कहते हैं जी ये महलन, यानी महलन यानी जगह के एतबार से। महलन का क्या माना है? जगह के एतबार से। मुदाफ आया था, अब मुदाफ के बाद जो जगह थी वो किसकी थी? मुदाफिलाई की। तो महल के एतबार से ये महलन मजरूर कहलाएगा, यानी जुमला फेलिया पे कोई जर नजर नहीं आएगी लेकिन जगह क्योंकि मुदाफिलाई की है तो इसलिए वो महलन मजरूर कहलाता है। ये बात सबको समझ में आ गई? ये आपको एनालिसिस में बहुत सारी जगह नजर आएगी ये बात महलन वाली। तो महलन को आज समझ लीजिए, महलन का माना क्या है? महलन का माना है जगह के एतबार से। अब जगह मुदाफिलाई की थी हालांकि वो जुमला फेलिया है, सही, उस पर कोई जर नहीं आएगी लेकिन महलन वो जगह के एतबार से मजरूर कहलाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई जनाब? ये बताइए जी सर। जी जनाब, किसी साथी का कोई सवाल है इस महलन के बारे में तो पूछ लीजिए जनाब। सर ये महलन के बारे में तो नहीं है लेकिन ऊपर जो मिन शर्रे मा खलक वो भी तो सेम खला का ही था, तो इस तरह से ये थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। नहीं, वहां पे माँ भी था ना बख्श भाई, देखो वहां पे माँ आया था, ठीक है, माँ इसमें मौसूल था ना। जी जी, ठीक है, और इसम जो है वो तो रफा नसब जर में जाता है, बिल्कुल करेक्ट जी। अब माँ जो है उस पर जर नजर क्यों नहीं आई? क्योंकि वो मबनी इसम है, ठीक है जी, यानी रफा नसब जर में वो एक ही शक्ल में रहता है। मैंने आपको बताया था ना उस वाली आय मुबारक में कि माँ जो है वो मबनी है, एक ही शक्ल में रहेगा, तो जर में है, बिल्कुल है, वो रफा और नसब में भी ऐसे ही होता है, ठीक है जी। तो उस पे तो जर मानेंगे और उसको हम मजरूर कहेंगे, बिल्कुल सिला जो इसमें मौसूल है, लेकिन चूंकि मबनी है तो इसलिए वो तीनों शक्लों में एक ही रहेगा, है वो जर में, ठीक हो गया, वो इसम है, लेकिन यहाँ पे तो वकब जो है वो जुमला फेलिया है पूरा, सही है जी, तो उसमें तो इतलाक ही नहीं होता रफा नसब जर का, लेकिन महलन मजरूर मानेंगे उसको क्योंकि जगह मुदाफिले की है। तो ये नुक्ता है बस। अब एक बात और नोट कर लीजिए, ये भी बहुत अहम बात है। अब देखिए आपने इसको मुदाफ तो बना दिया है, ठीक है जी, इदा को आपने मुदाफ तो बना दिया है लेकिन ये नॉर्मल मुदाफ नहीं है। नॉर्मल मुदाफ क्या होता है? वो तो इस्म होता है, ठीक है जी, जैसे हमें पहली आयत में मिला रब्बिल फलक, सुबह का रब, तो अब जो रब है वो मुदाफ है, तो जब जर्फ मुदाफ बनेगा, अब नोट कर लीजिए जी, जब जर्फ मुदाफ बनेगा ना, हमने क्या कहा कि इदा एक जर्फ है, शर्त के लिए भी आता है लेकिन अभी सर शर्त नहीं है क्योंकि जुमले के दरमियान में, तो जर्फ है, जर्फ मुदाफ बनता है। जर्फ जब मुदाफ बनेगा तो फिर वो जुमले में मुरक्कब जारी की तरह मुतालिक बनेगा, नोट कर लीजिए, ये बहुत आएगा आपके पास। वैसे मुरक्कब इजाफी जो है वो मुतालिक नहीं होता, ठीक है जी, मुरक्कब इजाफी मुतालिक नहीं होता, वो जुमले में
इसम हो सकता है, मुब्तदा हो सकता है, खबर हो सकता है, फाइल हो सकता है, मफूल हो सकता है, और इसमें मजरूर भी हो सकता है अगर उस पर मरकब जारी पे जर आ जाए, या फिर वो पेचीदा मरकब इजाफी का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन जब जर्फ के साथ आएगा ना मरकब इजाफी, जैसे इदा जर्फ के साथ आया है, तो नोट कर लीजिए वो जुमले में मुतालिक बनता है बिल्कुल मरकब जारी की तरह। ठीक है जी, तो ये मुतालिक हो जाएगा, मुतालिक हो जाएगा। ठीक है जी, किसका? इससे पहले जो गासिकिन है उसका, ये मुतालिक हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ये नोट कर लीजिए एक और बात अपने पास कि जब भी जर्फ के साथ मुरक्कब इजाफी आएगा तो फिर वो जुमले में मुतालिक बनता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब ये मुतालिक हो गया इसका, तो अब जो है वो ये पूरा मुरक्कब जारी और मुतालिक जो है वो मिलकर ये मातूफ हो गया पिछले आय मुबारका पर, और पिछले आय मुबारका में जो है वो मातूफन अलै या मातूफन अलै हो गया। अब शुरू से तर्जुमा देखिए, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूं सुबह के रब की, हर चीज के शर से जो उसने पैदा की, और शर गासिकिन रात के शर से। ठीक है जी, गासिकिन रात के शर से। इदा, अब देखिए जर्फ का तर्जुमा कर रहे हैं जब, ठीक है जी, जब हम तर्जुमा जो कर रहे हैं जब, व्हेन, ठीक है जी, जब जो है वो एक जर्फ का तर्जुमा, यानी जर्फ जमान, जिस वक्त, व्हेन, ठीक है जी, इदा व कब, जब वो छा जाए। ठीक है जी, तो रात जो है ना जब वो छा जाती है ना तो उसका शर भी बहुत बड़ा शर होता है। ठीक है जी, हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुभान व तआला ने इतनी आसाइशें दी हैं, हम लोग शहरों में रहते हैं, हमें तो रात का पता भी नहीं चलता, अगर आप सच माने तो हमें पता भी नहीं है कि रात होती क्या चीज है, लाइटें लाइटें लाइटें, रात का कुछ पता भी नहीं होता, अगर रात में भी निकल जाए तो दिन का ही समा होता है, लेकिन अगर रात देखनी है ना तो बयाबान, या बयाबान छोड़ें किसी गांव में जाके देखें। ठीक है जी, कि रात होती क्या है, रात में जो है वो जो हशरातुल अर्द हैं वो भी निकल आते हैं, कितने ऐसे गांव हैं जिसमें बिजली नहीं है, बिजली है भी तो सांप बिच्छू तरह तरह के मोजी जानवर, और भी जो है वो रात जो है उसका शर बहुत बड़ा शर है। ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें शहरों में जगह दी है, हमें तो पता भी नहीं है कि रात होती क्या है। ठीक है जी, तो उसके शर से पनाह मांगी जा रही है, अगर कभी कोई शख्स गांव वगैरह में गया हो, उसने देखा हो कि रात होती क्या है, उसका शर कैसा होता है, या बयाबान में कभी इतफाक हुआ हो रात गुजारने का, तो फिर अंदाजा हो हमें कि रात का शर क्या चीज है। ठीक हो गया जी, तो ये स्लाइड नंबर 2 हो गई। ग्रामेटिकल एनालिसिस के हवाले से किसी साथी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। जी, मेरा एक सवाल था सर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह सर, एक सवाल था, ये इजा का एराब क्या होगा सर? इजा का एराब, ये इजा इजा ही रहेगा सर हर वक्त नसब में? इजा जो है ना ताहिर भाई, इजा को हमने कह दिया कि ये जर्फ है। अब जर्फ जो है ना वो इस्म नहीं होता, वो एक हर्फ है। ठीक है, ठीक है जी, सही है। यानी इदा इजा, वैसे जो जर्फ होता है, जर्फ मकान और जर्फ जपान, उसको हमने इसम पढ़ा था, उसको हम नसब में भी लाते हैं जब वो जर्फ बन के आता है, लेकिन इदा जो है ना वो एक हर्फ है। ठीक है जी, इदा को आप हर्फ मानेंगे तो हर्फ जो होगा उसमें फिर हमें एराब में जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है सर, हाँ जी, एक साथी जो है पहले भी सर, जी, इदा के साथ जब माजी आता है तो वो कभी भी प्रेजेंट टेंस ही होता है, नहीं सर? हाँ, और ऐसा नहीं कहेंगे हम, इसको ऐसा कह सकते हैं कि इजा के साथ जब माजी आएगा तो वो ट्रांसलेशन जो है वो फ्यूचर में देगा या प्रेजेंट में देगा, यानी मुदारे में देगा। यस, ठीक है जी। जी, मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि मिन शरीमा खलक के जुमला इसमें हो सकता है, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। मिन शरीमा खलक जुमला इसमें हो सकता है कैसे? ये खबर मुकद्दम होके,
खबर मुकदमा मिन शर्री को बनाएंगे। अच्छा उसके बाद मुझे ये बताइए शर्री जो है उसको आप क्या मानेंगे, शर्री का एराब हल्का क्यों है ये बताइए। एराब हल्का इसलिए क्योंकि वो अगर मिन शर्रिन हो ना तो मैं आपकी बात मान लू, अगर आप मिन शर्रिन कहें ना तो मैं आपकी बात मान लू कि जनाब ये खबर मुकदम आप इसको माने, लेकिन मिन शर्री क्यों है वो किस वजह से बताइए। वो इसलिए है क्योंकि वो मुदाफ है, ठीक है जी, मुदाफ का एराब हल्का होता है। अब जब मुदाफ है तो उसका मुदाफिला आगे मिलेगा आपको, तो वो खबर मुकदम और मुब्तदा मौखर नहीं हो सकता। क्लियर हो गया जनाब आपका? जी जी ओके जनाब, ठीक है जनाब। तो स्लाइड नंबर 2 हमारी हो गई। ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد, ठीक है जी। चौथी आया, अब देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न आ रहा है, मिन शर मा खलक व मिन शर गासिक इज़ा वक़ब व मिन शर नफ़ाथात फिल उक़द, ठीक है जी। तो वाव अतफ हो गया, मिन हरफ जारा हो गया, यानी ये भी दूसरी आयत पे मातूफ हो गया, सेकंड मातूफ है, ठीक है जी। इसको अतफ ले लीजिए, मिन जारा है, शर्री फिर देखिए वही पैटर्न है, तो क्या बनेगा उदाफ, अन्नफसाती आपको अन्नफसाती जर में नजर आ गया तो मुदाफिला हो गया, मुदाफ और मुदाफिला मिलके मजरूर हो गया, हरफ जारा मिन के लिए, ठीक है जी। फिल उकद कौन सा मुरक्कब है, बहुत सादा है, मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी है, ठीक है। तो ये भी मुरक्कब जारी हमेशा मुतालिक ही बनता है, ये मुतालिक हो गया नफसाती के, ठीक है जी। तो वमिन शर्रि नफसाती फिल उकद, ये पूरा मुरक्कब जारी मातूफ हो गया दूसरी आयत मिन शर्री मा खलक पे, ये सेकंड मातूफ हो गया, ठीक है जी। व मिन शर्री नफाथाती, और गिराहों पर, जो गिराए होते हैं ना घंटे पर फूकने वालियों के शर से, ठीक है जी। यानी अन नफाथाती किसको बोलते हैं, फूकने वालियों को, और किस पर, फिल उकद गिराहों पर, गंडों पर पड़ के फूकने वालों, फूकने वालियों के शर से, ठीक है जी। ये जादूगर जो जादू करते हैं, कुफर करते हैं, शिर्क करते हैं, इनका शर भी बहुत ही बड़ा शर है, ठीक है जी। जादू बरहक है, और जो जादू करते हैं वो क्या करते हैं, वो कुफर करते हैं, शिर्क करते हैं, ठीक है जी। उनका शर भी बहुत बड़ा शर है, ये किसी भी इंसान को अगर नुकसान देने के लिए जादू करें तो नुकसान उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। ये बात हमें मालूम है जो हम सूरतुल बकरा में आयत पढ़ते हैं जिसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि उनके जमाने में जो लोग कुफर करते थे, जादू करते थे, इनका भी शर जो है एक बहुत ही बड़ा शर है। तो इससे भी पनाह ली जा रही है, और हम जानते हैं सूरतुल फलक और सूरतुल नास का जो शान नुज़ूल है उसमें भी हमें रिवायत में ऐसा मिलता है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था, तो उसका जब जादू हुआ तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ये दो सूरह मुबारक लेके आए और बताया गया कि वो किस जगह पे किसने जादू करके छुपाया है। तो फिर जब उस जादू को लाया गया और जब ये सूरह मुबारक दो पढ़ी गई तो फिर वो
एक एक आया पढ़ते गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो एक एक गिरह जो है वो खुलती चली गई और उस जादू का असर चला गया। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा शर है जादूगरों का, जो जादू करने वालियां जादू करने वाले हैं उनका। ठीक है जी, तो इसका जी मैं सर ये जो इस्म है नफासाती जी, ये असल में इस्म था नफासातुन और फिर ये मुदाफ की वजह से जर में चला गया है, लेकिन इसकी एराब जी मुदाफ इलाह बना है तो इसने जर में चला गया, लेकिन इसकी एराब हल्की क्यों है सर? नहीं एराब हल्की नहीं है इसकी मुनावर साहब, इस पे अल दाखिल है ना, मुअर्रफ बिल्लाम है। हाँ अच्छा 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 ठीक 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 सॉरी हल्की हाँ एराब हल्की नहीं बोलेंगे उसको हम, तो ये पढ़ते हैं ना जब नकरा इसम मुअर्रफ बिल्लाम होता है तो उसका तन्वीन खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही होगा, वो असल में पढ़ने में नहीं आता ना, रा और नून को मिला देते तो इसलिए। ठीक है जी, अच्छा जी अगली आयत जो आखिरी आयत है वो मिन शर हासिदिन इदा हसद, मिन शर हासिदिन इदा हसद इदा हसदा। अब देखिए जनाब ये जो तीसरी आयत मुबारक हमने की थी वामिन शर्रे गासिकिन इदा वक़ब, बिल्कुल सेम पैटर्न है वामिन शर्रे हासिदिन इदा हसद। देखिए वामिन शर्रे गासिकिन वामिन शर्रे हासिदिन वामिन शर्रे गासिकिन इदा वक़ब वामिन शर्रे हासिदिन इदा हसद, बिल्कुल ग्रामेटिकल एनालिसिस 100% आया नंबर 3 की तरह होगा इसका, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 100% सेम है। वाव अतफ है, मिन हरफ जा रहा है, शर्रे मुदाफ है, हासिदिन मुदाफ इलैह है, इदा ज़र्फिया है मुदाफ बनेगा, हसदा जुमला फेलिया है फेले माजी का पहला सीगा है मुदाफ इलैह होगा, इसको आप महलन मजरूर मानेंगे इदा के लिए, और इदा हसद जो है वो ज़र्फ के साथ मुदाफ इलैह मिलके मुतालिक बन जाएगा। ठीक है जी, हासिदिन का मुतालिक बन जाएगा क्योंकि हमें पता है कि जब ज़र्फ के साथ मुरक्कब इजाफी आए तो फिर वो मुतालिक बनता है जुमले में। पूरी एनालिसिस आय नंबर 3 की तरह होगा इसका, आय नंबर 5 का। ठीक है जी, तो हम यहां लिख सकते हैं सेम एनालिसिस एज आया 3। कोई साथी अगर आज की क्लास में नहीं है तो वो इस स्लाइड को देखकर वो समझ सकते हैं कि इसका एनालिसिस 100% वैसे ही होगा। तो वमिन शर हासिदिन इदा हसद, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे, जब वो हसद करने लगे। हसद भी जो है एक बहुत खतरनाक शर है। हसद क्या होता है कि कोई शख्स दूसरे शख्स की नेमत जो उसको मिली है उससे देखकर हसद करे और ये चाहे कि उससे ये नेमत छिन जाए और उसको ये नेमत मिल जाए, ये हसद होता है और ये बहुत बुरी चीज है। ठीक है जी, बुरी नजर, हसद, ये भी बहुत बड़े बड़े शर हैं, तो इससे भी खास तौर पर पनाह मांगी गई है, इससे भी खास तौर पर पनाह मांगी गई है। अब देखिए सूरतुल फलक जो है इसमें हमें बड़े खूबसूरत अंदाज में किन चीजों से पना ली, किन चीजों से यानी किन चीजों के शर से पना ली गई है, वो चीजें जो जाहिरी हैं। ठीक है जी, वो चीजें जो जाहिरन नुकसान पहुंचाती है, रात का शर है, जादूगरों का शर है, हसद करने वालों का शर है। ठीक है जी, जो मखलूकात हैं उनमें जो शर का पहलू है उससे, ये जाहिरी चीजें हैं। सूरतुन्नास में हमने क्या देखा था के वसवसा अंदाजी करने वाले, यानी जो दिलों में वसवसा डालते हैं, अंदरूनी जो इंसान के शुरूर हैं उससे पना ली गई है सूरतुन्नास में। तो ये कॉम्बिनेशन है सूरतुल फलक और सूरतुन्नास का। सूरतुल फलक और सूरतुन्नास जैसे हमने इसी क्लास में देखा था ये मसनून है कि सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुन्नास को हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ा जाए एक बार, फजर और मगरिब के बाद 3-3 बार, रात को सोने से पहले पढ़ना मसनून है तीनों सूरह मुबारकों को, और अपने हाथ पे दम करके ऐसे कि हल्का सा थूक भी हाथ पे आ जाए उसको पूरे जिस्म पे, सर मुंह और अगले जिस्म पर जहां तक हाथ पहुंच सके
फिरना भी सुन्नत है। तो ये जो सूरह मुबारक है इनको हमें अपने डेली मामूल का हिस्सा बनाना चाहिए, ठीक है जी। कम से कम फर्ज नमाजों के बाद और सोने से पहले हमें इनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन जैसी पना में लेने वाली कोई सूरतें नहीं। तो आज जो है हम यहीं पे ठहर जाते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं आज की क्लास में। अब एक सवाल था मेरा जी, जी, हासिद के हसद से, जिससे वो हसद कर रहा है, यानी इसका मतलब जिससे वो हसद कर रहा है उसे नुकसान पहुंचता है, इसलिए अल्लाह ताला से पना मांगी गई है। जी बिल्कुल, देखें हासिद क्या होता है, हासिद जो है ना वो शख्स होता है जो किसी को देखता है तो उसके पास इतनी नेमतें जब देखता है तो वो उसे हसद करने लगता है। और हसद की तारीफ क्या है, वो ये चाहता है कि वो नेमतें उससे छिन जाएं और उसको मिल जाए, ठीक है जी। तो ये हसद है और ये बहुत बड़ा शर है, ठीक है जी। जब वो हसद करे किसी शख्स से तो बहुत बड़ा शर है, क्योंकि नजर बद जो है वो भी हक है, किसी की नजर बुरी नजर लग जाना ये भी हक है, ठीक है जी। इसीलिए एक रिवायत में ऐसे भी मिलता है हमें कि एक सहाबी ने जब किसी दूसरे सहाबी को देखा तो उन पे एक ऐसी कैफियत तारी हो गई, तो फिर उनको ये फरमाया गया कि आप जो है क्या अपने भाई को हलाक करना चाहते हैं। यानी जब आप अपने किसी मुसलमान भाई के पास कोई नेमत देखें तो फिर कहें माशा अल्लाह, ठीक है जी, यानी अल्लाह ताला ने उसको नेमत दी है, अब माशा अल्लाह कहें उसकी इस नेमत को देखकर। और अगर आप ये चाहते हैं कि वो नेमत आपको भी मिले तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह उसकी इस नेमत को और बढ़ा और मुझे भी ये नेमत अता फरमाए। और इसी तरह जो है रश्क किया जा सकता है, यानी कोई शख्स नेकियों में बहुत आगे है, हम देखते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम भी उतना आगे निकल जाएं, तो हम रश्क कर सकते हैं। रश्क और हसद में बहुत फर्क है। रश्क ये होता है कि इंसान उसकी नेमत से जैलिस नहीं होता, यानी जैलिसी नहीं है, हसद क्या है, जैलिसी है, जैलिसी नहीं है। रश्क, रश्क क्या है कि उसकी नेमत से कोई जैलिसी है लेकिन ये चाहता है कि मैं भी ये नेमत हासिल कर लूं, मैं भी नेकियां ज्यादा करूं, मुझे भी नेमतें मिले, मेरे पास भी माल दौलत। तो ये जो रश्क है ना, ये अच्छी चीज है, क्योंकि उसमें सामने वाले के लिए कोई जेलिसी नहीं है, खुद भी चाहता है कि नेमत मिले। हसद वो है कि सामने वाले के लिए जेलिसी है और ये चाहता है कि उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, ये बहुत बड़ा शर है। तो उस हसद करने वाले के शर से पना मांगी गई है जो हसद करे, क्योंकि देखें इंसानों में तो हर तरह के लोग मौजूद हैं, मुसलमान भी हैं काफिर भी हैं, मुसलमानों में भी नेक बख्त भी हैं बदबख्त भी हैं, कौन शख्स कैसा है दिलों का हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है। तो अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें इतनी प्यारी सूरत अता फरमाई कि अगर कोई शख्स ऐसा है भी जो हसद करने वाला है तो हम उस शख्स के शर से पना मांग रहे हैं, किसकी, रब्बिल फलक की, सुबह के रब की पना जो है वो मांगी जा रही है। और देखिए इसमें बड़ा ही खूबसूरत नुक्ता भी है जो मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि देखिए ये सारी चीजें जो ना ये अंधेरियां ही अंधेरियां हैं, यानी रात का अंधेरा है, जादुओं के अंधेरे हैं, हसद करने वालों के अंधेरे हैं, इन सब चीजों के अंधेरे जो है ना उससे जो पना मांगी गई है वो किसकी मांगी गई है, वो सुबह के रब की मांगी गई है, क्योंकि सुबह जब हो जाती है तो सारे अंधेरे फिर खत्म हो जाते हैं। तो वो रब तो तमाम जहानों का है, यहाँ पे जो रब्बुल फलक आया है वो सुबह आया है कि जो सुबह जब आ जाए तो फिर अंधेरे खत्म हो जाते हैं और सुबह का भी वो रब है जिसकी पनाह दी जा रही है, ठीक है जनाब। एक्चुअली लास्ट टाइम मैं एक बुक पढ़ रहा था इल्म की अहमियत से, इल्म के आदाब, जो इल्म हासिल करते हैं ना उसके आदाब, इब्नुल कय्यिम की है, उसमें यानी सबसे जो उन्होंने एक प्रायोरिटी दिए थे ना कि ज्यादा हसद यानी एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा होते हैं तालिबे इल्म में, अच्छा दूसरे तालिबे से। तो उसके अंदर एक दुआ आई थी जो जैसे अभी आपने फरमाया ना कि अल्लाह मेरे इसमें, तो अल्लाहुम्मा जिदहू मिन फजलिक, अगर समझो किसी के चीज में किसी में अच्छी चीज देखे या किसी की नेमत देखे तो हसद, बोले उसमें लिखे कि हसद इनबिल्ट रहता है इंसान में, इंसान की फितरत में,
तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो दुआ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो शैतान से महफूज रहता है। اللهم زده من فضلك واعطني افضل منه, यानी उसके लिए भी दुआ है और हमारे यानी हमें वो नेमत मिलने के लिए भी दुआ है, यानी बिल्कुल 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 ऐसे ही बिल्कुल के اللهم زده من فضلك, यानी ऐ अल्लाह तू उसको बढ़ा दे अपने फजल में, واعطني और मुझे भी दे افضل منه अफ़ज़ल मिन्हु उससे भी ज्यादा अफ़ज़ल, तो उसके लिए भी दुआ है और अपने लिए भी दुआ है। सुभानअल्लाह बारकल्लाहु फीक जज़ाकल्लाहु खैरन बारकल्लाहु फीकुम वल्लाहु आलम सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।